अब हम बात करते हैं इस प्रजाति की विशेषताओं की। IPM 512-1 अथवा सूर्या एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य रूप से सभी रोगों के लिए अवरोधी है। इसमें ना पी चित्तेरी अर्थात येलो मोजैक डिजीज लगता है, ना ही सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट या जिसको हम पर्ण बुंद भी कहते हैं वह लगता है, तथा इसके साथ ही अन्य प्रमुख बीमारियां भी इसमें नहीं आती हैं, और यही कारण है कि इसकी अत्यधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक इसके पौधे का सवाल है तो इसका पौधा आकार में बड़ा सीधा तथा इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की होती हैं। इसमें एक मुख्य विशेषता यह है कि इसकी फलियाँ पौधे के टॉप पर आती हैं या फिर बीच में आती हैं तथा नीचे इसकी फलियाँ नहीं आती। अतः यदि हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग या मशीन से कटाई की बात करें तो उसके लिए भी यह प्रजाति अत्यंत। इस प्रजाति के पौधे को देखेंगे तो इसके अंदर आप पाएंगे कि इसमें फलियाँ गुच्छों में आती हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं और एक गुच्छे में लगभग 14 से 20 तक। आइए अब हम बात करते हैं इसकी फलियों तथा दाने की। आप देखेंगे कि इसकी फलियां पकने पर काले रंग की हो जाती हैं और इसकी पहचान मुख्य रूप से यह है कि फलियां इसके तलवार के आकार की होती हैं, जिसमें ऊपर से आप देखेंगे कि फलियां मुड़ी होती हैं। एक फली में लगभग 12 से 14 तक दाने होते हैं और इसके जो दाने अगर आप देखें तो वे अत्यंत ही देखने में आकर्षक होते हैं, हरे रंग के हैं, चिकने हैं तथा मध्यम आकार के हैं, और भारतीय बाज़ार में मध्यम आकार के हरे चिकने दाने की बहुत अधिक मांग है। इसीलिए मेरे कृषक मित्रों, अगर आप इस प्रजाति को उगाते हैं तो आपको इस फसल को बाजार में बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना।